नमस्कार साथियों, आज फिर अपन बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, आपको पता है अभी फ्लाइटें 23 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं, अगले महीने से वापस रनिंग हो जाएगा लोगों का विजिट वीजा में जाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि परमिट वीजा का तो अभी कोई संभावना है नहीं, सरकार क्या नियम लाती है वो तो आगे आने वाले समय पे पता लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लोग दुबई में विजिट वीजा में जाते हैं। दुबई विजिट वीजा भाई किसी भी देश में आप देख सकते हैं, चाहे मलेशिया जाओ, सबसे ज्यादा दुबई मलेशिया का विजिट टू वर्क का ऑप्शन होता है। हालांकि मलेशिया विजिट टू वर्क का गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग 99% लोग जाते हैं, फंस जाते हैं। सेम दुबई की कंडीशन, हालांकि दुबई में लोग फंसते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एजेंट जो है ना पूर्वता बने या फिर ये इनकी कमी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अभी बात करेंगे हम 8 बंदों की। जी हाँ, ये बंदे इंडिया के थे, बता दूं मार्च में ये 2021 में दुबई गए थे। जी विजिट वीजा में एजेंट के थ्रू ये गए थे। अब कैसे गए ये प्रोसेस तो अपने को नहीं पता, क्योंकि इन्होंने ये बताया अपने बयान में कि हम प्रत्येक बंदों ने 1500 दिरहम या 30,000 रुपए दिए थे। तो हो सकता है यहाँ से ये विजिट वीजा में गए होंगे, टिकट लिया, वीजा लिया और दुबई पहुंच गए, और वहां जाने के बाद में किसी के संपर्क में आना होता है। आपको पता लगभग लोगों को संपर्क में एजेंटों के थ्रू आए जाते हैं। जी आप इंडिया में एजेंट के थ्रू जाए, इंडिया से ज्यादा दुबई में एजेंट बैठे हैं, आप सबको पता ही है। तो उन्होंने क्या किया, 1500 दिरहम यानी 30,000 रुपए 8 बंदों से ले लिया, पासपोर्ट ले लिया और किसी कंपनी में भेज दिया। कंपनी में आपको पता है इन्होंने नहीं तो पैसा तो हालांकि कंपनियों में लगता ही नहीं, आपको सबको पता है कंपनी अपने जेब से वीजा का पैसा देती है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन एजेंट पैसे लेने के साथ में पासपोर्ट लेके फुर हो गए। जी हाँ भाई, कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी में एजेंट ने पासपोर्ट जमा ही नहीं करवाए तो कंपनी वीजा कहाँ से लगवाती। तो इनको कंपनी ने निकाल दिया, दर दर की ठोकरे खाते थे, खा रहे थे। रोड पे कहीं ना कहीं बैठे हुए एक सज्जन को ये मिल गए जो सामाजिक सेवा का काम करते हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की, पूरा मैटर समझाया। तो उन्होंने फिर इंडियन एम्बेसी को कॉल करके पूरी कहानी बताई कि इस तरह से ये बंदे फंसे हुए हैं, इनके पास पासपोर्ट नहीं है। तो एम्बेसी ने उनको अपने संरक्षण में लिया और फिर कोई लेबर कैंप है उनकी तरफ से कोई सुविधा दी गई कि भाई वहां पे वो रह रहे हैं। हालांकि देखिए, कंपनी से जब कॉन्टेक्ट किया एम्बेसी की तरफ से तो उन्होंने बोला हम अभी भी जॉब इनको देने के लिए तैयार हैं, ये लोग हमारे पास आए थे 20-25 दिन रहे, लेकिन इनके पास पासपोर्ट नहीं होने की वजह से हमने इनको वापस निकाल दिया, क्योंकि कंपनी पासपोर्ट मांगती है, वीजा कैसे लगाएगी भाई। फिर उनके एजेंटों से संपर्क किया, एजेंटों से फुर हो गए, उनका पता ही नहीं कहां गए। देखिए कितने हरामी बन होता है, पैसे तो खा गए जो खा गए, पासपोर्ट और ले गए यार। अगर वो एजेंट उनकी कंपनी में पासपोर्ट जमा करवा देते तो 100% उनका वीजा लग जाता और जॉब लग जाता। कहीं ना कहीं देखिए इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है 1500 दिरहम दिए होंगे या उनके बीच में डील और भी होगी तो उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे। तो एजेंट बड़े हरामी होते हैं, वो फिर बदला लेने के लिए उनका पासपोर्ट, मुझे जहां तक लगता है पासपोर्ट उनको नहीं दिए उसने, और वो हो सकता है एजेंट उनके पास जानकार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एजेंट का नहीं तो कोई नाम आया नहीं, वो उनकी नेशनलिटी आई है। तो हम ये मान सकते हैं कोई राहगीरी या फिर सड़क छाप एजेंट वहां पे घूमते रहते हैं, तो किसी के संपर्क में आ गए होंगे, पैसे भी दे दिए, पासपोर्ट भी दे दिया, हालांकि कंपनी तक पहुंच भी गए, जॉब भी किया, लेकिन कंपनी के अंदर पासपोर्ट जमा नहीं होने की वजह से उनको वापस निकाल दिया गया। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी है भाई, एजेंट को ठीक है जॉब लगवाने के आप पैसे दे रहे हो, पासपोर्ट भी उनको दे रहे हो, क्यों, पासपोर्ट तो आप भी कंपनी में जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि पासपोर्ट इंपोर्टेंट होता है भाई, विदेश की धरती पे पैसे चले गए नो डाउट, चलो पैसे गए अच्छी दुख की बात है, लेकिन पैसों का इंतजाम आप और कर सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, अपने गांव से पैसे मंगवा सकते हैं, कैसे भी बंदा एडजस्ट कर लेता है। पासपोर्ट गुम हो जाए तो भी आपका क्या होगा, अब वो लोग वहां पे रह रहे हैं, कंपनी में वो जॉब नहीं लग सकते, उनको इंडिया आना पड़ेगा, कंपनी उनका आउट पास बना के दे, इंडियन एम्बेसी उनका आउट पास बना के देगी, आप सबको पता ही है, और टिकट का पैसा उनका लगेगा, उनका ही लगेगा, मुझे नहीं लगता इंडियन एम्बेसी उनकी टिकट का पैसा देगी। तो देखो कितना नुकसान हो गया, वापस आए 30,000 गए, फिर यहाँ आके दोबारा उनको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा ये, और देखिए तो इस वो आउट पास से आएंगे तो मुझे लगता है उनके ऊपर बैन भी लग जाएगा, इस बात को भी आप मान सकते हैं, बैन लगेगा क्योंकि वो आउट पास से आ रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है भाई, तो इन चीजों का ध्यान रखें। विजिट टू वर्क जा रहे हैं तो पासपोर्ट अपने पास रखिए, डायरेक्ट कंपनी में जमा करवा सकते हैं, एजेंट को पासपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जबकि मैं बता दूं 95% सिस्टम ये होता है कि आपसे जाते ही एजेंट पासपोर्ट ले लेते हैं, और वहां पासपोर्ट से इंसान काबू में आता है, ऐसे काबू में नहीं आता हो, और आपको काबू में करने के लिए वो लोग पासपोर्ट रख लेते हैं। तो पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें, एजेंट का ठीक है भाई तेरा पैसा है तुझे मिलेगा, तू मेरा काम करवा, बात खत्म। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।